दोस्तों ये जो कस्टमर डिस्प्ले जो होती है ये किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है अपना जो रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। ये जो कस्टमर डिस्प्ले आप देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने इसका जो वीडियो बनाया था उसमें से और कुछ क्लैरिटी चाहिए था मेरे कस्टमर्स को, कुछ लोग और पूछा हो उसको और वीडियो बनाओ, तो इसलिए करके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये जो कस्टमर डिस्प्ले का प्राइस भी मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो डिस्प्ले का प्राइस है देखो, ये जो 5 इंच का डिस्प्ले है एक्चुअली कलर डिस्प्ले है, इसका प्राइस है 3200 के आसपास आता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी GST सब मिला जुला के, ठीक है जी। ये जो है और मैंने इसलिए ये ढूंढा हुआ है, मेरे कई सारे कस्टमर्स को ये दिक्कत आया हुआ है, वो पुराना मॉडल का जो कस्टमर डिस्प्ले आता है ना जो लैम्बा वाला, उसके लिए नियर अबाउट 6000-7000 रुपीज़ का जो बजट मांग रहा था किसी लोग, यानी अमेज़ॉन वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये भी अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, जो कस्टमर डिस्प्ले आप देख सकता है, खरीद सकता है और किसी ने सेल करता है। मैंने खरीद के खुद टेस्टिंग किया है, मैंने कई सारे स्टॉक लिया हुआ है इसका और वर्किंग गुड, यानी देर इज़ नो इश्यूज, ब्यूटीफुल है। और ये USB से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है अपना जो PC पे, यानी USB नॉर्मल, यानी USB आप डायरेक्ट कंप्यूटर में लगा सकते हैं और आप इस तरीके से कुछ डिवाइस लगा करके भी यानी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से हब लगा दिया, जैसे आप कनेक्ट करेंगे तुरंत इधर कुछ लाइट वगैरह चालू हो जाती है, लेकिन ये इमिडिएटली काम नहीं करेंगे, आप जैसा मतलब उसका एक सेटिंग करना पड़ता है तभी जा करके काम करेंगे, अदरवाइज ये खाली इस तरीके से लाइट आके रहेंगे बस, है ना। हम उस इसको कैसे सेटिंग कर देंगे मैं आपको वेरी सिंपल वे में दिखा देता हूँ, ये इधर रहने दीजिए। चलो अभी हम जाएंगे अपना रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो सेल पैनल होती है उसमें चले जाती है। आप इसको देखो, सबसे ऊपर आप जाइए बिल टेम्पलेट। अच्छा, यहाँ देखने के पहले इसमें एक चीज़ होती है, देखिए इसमें जो भी कस्टमर डिस्प्ले कनेक्ट होती है कॉम पोर्ट का माध्यम से, आप कॉम पोर्ट का ढूंढना कौन सा कॉम पोर्ट से कनेक्ट हुआ हो चुका है। एक कॉम पोर्ट क्या है, आपको जितना भी USB है हर एक USB में लगा देंगे डिफरेंट कॉम पोर्ट दिखाई देती है, तो हमने सबसे पहले चेक करना आपको कौन सा कॉम पोर्ट है। देखो इसमें राइट क्लिक करके मैनेज में चला जाना, आपने माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में चला जाइए और उसमें डिवाइस मैनेजर में क्लिक करिए, और इसमें देखो इधर देखो पोर्ट्स बोल के दिखाई देते हैं, देखो कॉम 12 में कनेक्टेड है अभी, देखिए यानी आपको दिखाई दे रहा हूँ सिंपल वे में, देखिए कॉम 12 आपको दिखाई दे रहा है ना जी, देखिए कॉम 12 यानी मैंने पोर्ट्स यानी पोर्ट्स कॉम 12 मैंने निकाल के दूसरा जगह पे लगा देंगे ना, दूसरा कॉम पोर्ट दिखाई देंगे आपको, ये देखिएगा, ये देखो कॉम 13 में आ गया हुआ, देखिए कॉम 13, ठीक है। हमको ये पोर्ट का जो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, कॉम 13 में कनेक्टेड है हमने, इसको क्लोज करिए और अपना जो रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में चला जाइए और इसमें देखो सेल पैनल में चला जाइए, अपने सेल पैनल आप इसमें जाइए और यहाँ आपने बिल टेम्पलेट सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है, बिल टेम्पलेट देखो, ये जो बिल टेम्पलेट दिखाई देती है आपको, आप इसमें क्लिक करिए और ये देखो इधर प्रिंटर सेटिंग्स बोल के आपको दिखाई देती है, देखो प्रिंटर सेटिंग्स है ना, ये आपको देखिए, ये देखिए प्रिंटर सेटिंग्स, आप इसमें क्लिक करिए और इसमें जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है उसको डिलीट कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है जी। और आप इसमें क्या करिए, आपका जो भी प्रिंटर है उसमें ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकता है कौन सा प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ आपने टाइप करना दोस्तों, यहाँ देखो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, ये देखो ये जो पोर्शन है ना जी, देखो इतना पोर्शन और ये पोर्शन, ये ऊपर वाला है आपका लाइव वेइंग मशीन का है ये वाला पोर्शन, और ये तीन ऑप्शन जो है आपका कस्टमर डिस्प्ले का है। इधर कॉम 13 करके टाइप करिए आपके कैपिटल लेटर में, कॉम 13, ठीक है जी बस, और इसमें दोनों यस यस कर देना, वो ऊपर वाला में कुछ और कॉम डाल देना इसको, यानी कॉम डालने का भी जरूरत नहीं, कॉम 1 करके डाल दो, यानी कुछ भी फील्ड फिल करने का ठीक है, यानी ये एक्चुअली हमारे काम पे क्या आता है, ये आते हैं कॉम 13, और इसमें यस यस कर देना, इसको नो कर दिए क्योंकि ये लाइव वेइंग मशीन अभी कनेक्टेड नहीं है, आप इसको सीधा सेव करिए, ओके करिए और क्लोज करिए, और 3 इंच का सेटअप किया हुआ है इसमें, अभी देखिएगा, अभी इसमें एक बार क्लोज करके फिर दोबारा आपने खोल देंगे तो यूअर कंपनी नेम, मैंने कंपनी का नेम यूअर कंपनी नेम करके ही डाला था, वो आपको इधर आ जा रहा है, देखिए यूअर कंपनी नेम करके आ जा रहा है ना, देखिए। चलो हमने कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड टू कार्ट करते, देखो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना जी, देखिए कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, 417 आया इसमें, इसमें कितना दिख रहा है आपको, 417 ही है ना, ओ यस करेक्ट 417, और कुछ और प्रोडक्ट दिखा डाल देते हैं, देखिए ना जी दिख रहा है आपको,
741 आ गया, इधर टोटल भी 741 है, और मैंने इसको फॉर एग्जांपल कस्टमर ने समझ लीजिए 1000 रुपीज़ दिया हुआ है कैश, आप इसमें देख लेना और ये सेव कर दे रहे, देखिए बैलेंस चेंज आ गया ना जी, देखिए कितना चेंज देना है, और यस करने से बिल प्रिंट होने के बाद वो यानी जीरो बन जाती है, ये देखिए ना दोस्तों जीरो बन गया, मतलब कंपनी का नेम आ चुका है। वो व्हाट्सअप भी चला जा रहा है, एक्चुअली ऑटोमेटिक व्हाट्सअप जाने वाला टेक्नोलॉजी भी है रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में, जो भी बिल आपने बना हुआ ना ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप में भी चला जाती है, यानी इंस्टेंट वो फैसिलिटी भी अपना रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। व्हाट्सअप जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन एनेबल करने से जो बिल जैसा है वैसे ही व्हाट्सअप भी चले जाएंगे। तो ये ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वेरी सिंपल वे में आपको यानी कस्टमर डिस्प्ले कनेक्ट कर सकता है अपना रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।